बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के थाना सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के आरपीएम कॉलेज मुरसान रोड से भूरा अब्बासी और विक्की नाम के सात अपराधियों को एक अवैध तमंचे और एक चाकू के साथ उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब दोनों सातिर अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के आरपीएम कॉलेज मुरसान से तमंचे और चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना सदर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र ने दोनों सातिर अपराधियों का खुलासा करते हुए भेजा जेल। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज।